ये जीएमसी दिनाली है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका ये प्रॉब्लम है कि इसका जो रेडियो है ये काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। और इसका जो क्लस्टर है ये कभी कभी इसका इंडिकेटर इसमें गायब हो जाता है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसका क्या ख़राब होता है। तो फ्यूज़ तो मैंने पूरा चेक किया, फ्यूज़ पूरा सही है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें इंडिकेटर कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है क्लस्टर के अंदर। तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने टेप को खोला तो ये छोटा सा कैन बस का ECU है। इधर ये कैन बस का छोटा सा ECU है, ये किसी ने तिजारी लगाया है। 2015-04-01 कैन बस। तो अभी जब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो इसके अंदर AC का पानी गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पानी गया है तो इसका जो सीरियल डाटा लाइन है, कैन बस है, वो शॉर्ट हो गया है। तो जब इसमें पानी गया है तो जैसा ही मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया तो क्लस्टर का अंदर इशारा भी चालू हो गया। ये GMC है, पूरा ये डाटा लाइन से काम करता है। और इसको साफ करके देखते हैं कि इसको थोड़ा सफाई करते हैं, फिर डालते हैं, देखते हैं कि रेडियो भी चालू होता है कि नहीं। इसको अच्छी तरह साफ करेंगे और फिर फिक्स करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। इसमें जब पानी जाता है तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। ये डाटा लाइन बहुत ही नाजुक होता है, थोड़ा भी इसको शॉर्टेज मिल जाता है तो ये रुक जाता है। तो इस वजह से क्लस्टर काम नहीं कर रहा था। अभी देखते हैं, अगर काम चालू किया इसको चेंज करना चाहिए। तो माशाल्लाह चालू हो गया, तो इशारा भी सही हो गया, लेकिन अगर दोबारा ये कभी बंद हो गया तो इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी गया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। ये कैन बस से पूरा ये सिस्टम चलता है, ये कैन बस का ECU है, कैन कम्युनिकेशन। तो इसमें पानी गया था।